नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ग्रेस अंक पाने वाले फिर देंगे परीक्षा। 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाएंगे और 23 जून को 1563 छात्रों का दोबारा एग्जाम होगा। तो ये बड़ी खबर सामने आई है नीट परीक्षा मामले से जुड़ी हुई। ग्रेस अंक जिन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं उनको वापस लिया जाएगा और उनके लिए परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। कुल 1563 छात्र ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, अब वो ग्रेस मार्क्स हटा करके उनके लिए अलग से एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 23 जून को ये परीक्षा रखी गई है। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सामने आया है और एनटीए ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि जो 1563 छात्रों का जो रिजल्ट है वो रद्द किया गया है, 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी और ग्रेस मार्क्स इन लोगों को दिए गए थे तो उसको हटा करके अब उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। छात्रों का डर दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। ग्रेस अंक पाने वाले छात्र एक बार फिर से परीक्षा देंगे। तो नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, 1563 छात्रों को फिर से अब परीक्षा देनी होगी। और एनटीए ने यह भी कहा कि एनटीए ने आपकी बात मान ली है और वो ग्रेस मार्क्स को हटा रहा है। यह बात सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की ओर से कही गई। एनटीए की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क्स हम हटा रहे हैं और जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। हम काउंसलिंग पर रोक हालांकि नहीं लगाएंगे। 8 जुलाई को मामले की अब अगली सुनवाई है। लेकिन इस बीच यह जरूर साफ हो गया कि अब 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनकी दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपियर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिसटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे से समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब उनका ये प्रपोजल था कि इन 1563 स्टूडेंट्स को हम ऑप्शन देते हैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने का, प्रॉबेबली 23 जून को। अब या तो ये री एग्ज़ाम दें ये बच्चे, या इनका चॉइस है री एग्ज़ाम ना दें और जिनके ओरिजिनल नंबर थे वो पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि वो केस जो है 8 जुलाई को तब तक 6 जुलाई किन्ने शायद बोल दिया कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज शायद डिसीजन आया तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है और डेट पर डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा। वो तो ठीक है कि 15,000 का या 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में, मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3,000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतने हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी, किसी ने सोची नहीं थी कि 5 times इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इस पर हमें क्लियरली लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये 1500 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन अभी तो ये बात की थोड़ा है कि कुछ तो किया है अभी तक जो एनटीए ने किया है। अभी हम और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी आगे करेंगे। वहीं पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस बच्चे को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी।
इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूँ, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, कोर्ट अर्जी, अगर किसी ने अर्जी डाला है कोई प्रमाण है क्या? देखो एक तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूँ, कोई कोई क्वेश्चन लिखी कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रेकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ आनामोली जाइए, उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, वो सारा दलील अभी अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा, जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लखनऊ के अकबर नगर इलाके में अवैध कब्जे पर कार्रवाई जारी है। एलडीए आज शाम के बाद अकबर नगर फर्स्ट इलाके में भी कार्रवाई शुरू करेगा। कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए बादशाह नगर रेलवे स्टेशन से कुकरेल का रास्ता बंद कर दिया गया है। बड़ी तादाद में आरएएफ, पीएसी और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि यहां अब तक 330 से ज्यादा अवैध मकान और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त हुए। अकबर नगर 2 को सबसे पहले हम लोगों ने टेकअप किया था और 395 आवास थे और सभी को आवासित कर दिया। करीब 500 लोगों को यहां से आवास दिया था हम लोगों ने। सभी शिफ्ट हो चुके हैं और सभी को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। आज शाम तक 100% डिमोलिशन हो जाएगा। अकबर नगर सेकंड फर्स्ट में हम लोग कल से उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और कुल मिला के 57-58 गाड़ियां कल रात में भी लगी थी। उनको ट्रांसपोर्टेशन का साधन दिया जा रहा है, कुछ अपने साधनों से ले जा रहे हैं लोग और अभी वो सामान निकाल रहे हैं। जैसे सामान निकाल लेते हैं आज शाम तक वो सामान निकाल लेंगे मैक्सिमम, तो आज शाम से या कल सवेरे से ड्राइव वहां चलेगा। बरेली में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की मांग की है। आरोप के मुताबिक बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी बनाई गई थी। आपको बता दें कि बीडीए अब तक 50 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला चुका है। राजनाथ सिंह ने आज पदभार संभाला है। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा मंत्रालय पहुंचकर अपना चार्ज लिया। आपको बता दें राजनाथ सिंह ने दूसरी बार रक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, दूसरी बार रक्षा मंत्री का पदभार संभाला राजनाथ सिंह ने। मंत्रालय पहुंचकर आज अपना चार्ज लिया है उन्होंने और कामकाज की शुरुआत की है। तो रक्षा मंत्रालय पहुंचे राजनाथ सिंह, उन्होंने अपना चार्ज लिया। लगातार दूसरी बार देश के गृहमंत्री बने हैं राजनाथ सिंह और मंत्रालय पहुंचकर अपना चार्ज ग्रहण किया। वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, यह हमारी प्रायोरिटीज में विशेष रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, यह हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है। और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट यह है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, यह हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न ही होगा।
क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। उधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज अपना पदभार संभाल लिया है। जयंत ने शिक्षा मंत्रालय पहुंचकर शिक्षा राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। तो जयंत चौधरी भी आज पहुंचे और उन्होंने मंत्रालय में अपना चार्ज संभाला। शिक्षा मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने चार्ज लिया, उनको शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है और वो पहुंचे मंत्रालय और अपना कार्यभार ग्रहण किया। सबको निर्देशित कर चुके हैं प्रधानमंत्री, तो एक एक करके मंत्रालय में जाकर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं सभी मंत्री। विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम पर्दाव, मुस्लिम को नेता विपक्ष बना सकती है समाजवादी पार्टी, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। गुड्डू जमाली का नाम रेस में सबसे आगे है। गुड्डू जमाली मुस्लिम ओबीसी से आते हैं और जासमीर अंसारी का नाम भी रेस में शामिल है, तो यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो करहल सीट छोड़कर अब केंद्र की राजनीति करेंगे। वो कन्नौज से सांसद चुने गए हैं, तो ऐसे में चर्चा यह है कि अब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर कौन होगा। शिवपाल यादव का भी नाम सामने आ रहा है, इसके अलावा कई नामों पर चर्चा चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम कार्ड भी खेल सकती है, मुस्लिमों पर दाम, किसी मुस्लिम नेता को नेता विपक्ष बना सकती है समाजवादी पार्टी, और इसमें गुड्डू जमाली का नाम रेस में सबसे आगे है। गुड्डू जमाली मुस्लिम ओबीसी वर्ग से आते हैं। जासमीर अंसारी का नाम भी रेस में शामिल है, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। विधान परिषद में एसपी का मुस्लिम पर्दाव, दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। दूसरी तरफ विधान परिषद में मुस्लिम कार्ड खेल सकती है समाजवादी पार्टी। यूपी में विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्य कल शपथ ले सकते हैं, इसके बाद एसपी के एमएलसी की संख्या 9 से बढ़कर 12 हो जाएगी। अब तक समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं था, लेकिन अब उसके पास इसके लिए पर्याप्त संख्या हो जाएगी। ऐसे में उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद उसके पास आ सकता है और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद किसी मुस्लिम को दे सकती है। तो एसपी मुस्लिम को बना सकती है नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के अंदर। परिषद सीटों पर हुए चुनाव के बाद जल्द ही तमाम विधान परिषद के सदस्य शपथ ले लेंगे। इस शपथ के बाद समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में कुल 12 हो जाएगी। इन सदस्यों की संख्या बल के आधार पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी पाने का हकदार हो जाएगी। विपक्ष का नेता बनने की दौड़ में मुस्लिम चेहरा सबसे आगे चल रहा है। समाजवादी पार्टी के गुड्डू जमाली या फिर जासमीन अंसारी समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लोकसभा के नतीजे आए हैं। नोएडा के थाना 39 सेक्टर की पुलिस लुटेरे से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल हो गए। चेकिंग के दौरान अब पुलिस ने बाइक सवार को रोकने की कोशिश की है, तो बाइक सवार मौके से भाग निकले हैं। पुलिस का पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की है। बदमाशों के कब्जे से 1,00,000 कैश, एक मोटरसाइकिल, दो तमंचे, कारतूस बरामद किए गए। सेक्टर 96 तिराहे के पास चेकिंग कर रही थी, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल पर 3 लड़के संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। इनको रोकने का प्रयास किया गया, ये भागे। इसके पश्चात इनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी होते हुए इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें ये दो बदमाश घायल हुए। इसके पश्चात कॉम्बिंग के दौरान तीसरा बदमाश भी गिरफ्तार हुआ, जिसका नाम विकास है, जो मूल रूप में सेक्टर 39 का रहने वाला है। उसके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल दोनों बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। घायल दोनों बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है।
यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। मुजफ्फरनगर में आरोपी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की है। पुलिस ने वार्निंग देने के बाद फायर किया, आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। शातिर अवैध हथियारों के मामले में जेल पहुंचा था, जबकि हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस की चेकिंग के दौरान शातिर से मुठभेड़ हो गई और इस दौरान दो शातिर घायल हुए। जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, मुजफ्फरनगर और हापुड़ जहां पर ये बदमाश फायर करके भाग रहे थे लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर और हापुड़ में पुलिस का एक्शन हुआ है, मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को पकड़ा है पुलिस ने। ये दोनों बदमाश अलग अलग क्राइम्स में वॉन्टेड चल रहे थे और पुलिस पर इन्होंने पहले फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में गोली इनके पैर में लगी। और खबर नोएडा से, जहां NH-91 लोहारली टोल पर पुलिसकर्मी की मनमानी मामले में सीपी लक्ष्मी सिंह का बयान आया। उन्होंने बताया कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि बिना टोल जमा किए गाड़ियां निकाली गई हैं, मारपीट का भी आरोप लगा है। अब इस मामले में ACP दादरी जांच करेंगे। नोएडा में पार्सल में ड्रग्स होने का डर दिखाकर साइबर ठगों ने इंजीनियर्स को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। ताइवान भेजे जा रहे पार्सल में ड्रग्स समेत अन्य आपत्तिजनक सामान होने का डर दिखाकर बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर से ये ठगी की गई। जालसाजों ने IB और मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर इस वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान जालसाजों ने इंजीनियर को करीब 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में की है। बार बार पैसे ट्रांसफर करने के बावजूद जब जालसाजों की मांग कम नहीं हुई और उसने क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर भुगतान करवाना चाहा, तब जाकर पीड़ित को संदेह हुआ। इंजीनियर को 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और इस दौरान 20 लाख रुपए की ठगी की गई है। आपको बता दे, पेशे से IT इंजीनियर ने एक क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत की, जिसके बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल मॉडस ऑपरेंडाई बिल्कुल वैसी थी। फेडेक्स कोरियर कंपनी की तरफ से कॉल किया गया कि आपका पार्सल ताइवान जा रहा है, जिसमें आपत्तिजनक सामान है, विदेशी मुद्रा है और कुछ ड्रग्स होने की बात कही है। इस पर जब मना किया गया तो फेडेक्स कॉल ने कोरियर कंपनी ने ये कॉल मुंबई क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद यहां से ठगी का काम शुरू हुआ। आपको बता दें, 48 घंटे तक युवक को डिजिटल अरेस्ट रखा गया, एक कमरे में रखा गया और इस दौरान लगातार उससे पैसे की डिमांड की गई, सेटलमेंट की बात की गई और लगातार डराया धमकाया भी गया। फिलहाल जब धीरे धीरे पैसा ट्रांसफर होता गया, जब युवक के पास उसके अकाउंट में पैसे खत्म हो गए तो क्रेडिट कार्ड से पैसे ट्रांसफर करने की बात कही, जिस पर युवक को संदेह हुआ। बस्ती में चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार धू धू करके जलने लगी। जब तक ग्रामीण आग बुझाने की कोशिश करते, कार जलकर खाक हो चुकी थी और बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते कार ओवरहीटेड हो गई और इसके चलते कार में अचानक आग लग गई। ये लोग इलाज कराने के लिए बस्ती आ रहे थे तो भीषण गर्मी के चलते किस तरह एक कार में आग लगी वो आप तस्वीरों में देखिए। चलती कार आग का गोला बन गई। बस्ती में चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने वक्त रहते कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के कई शहरों में आग की घटनाएं सामने आई हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहर की हैं। गाजियाबाद, झांसी, सिद्धार्थनगर, आगरा और अमरोहा। गाजियाबाद में एक मकान में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पुरुष, 2 महिला और 2 बच्चे हैं। लोनी बॉर्डर इलाके की यह घटना है। झांसी और सिद्धार्थनगर में भी आग की घटना सामने आई है। झांसी के मठ गांव में खेत में भीषण आग लग गई और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर इस आग पर काबू पाया। तो वहीं सिद्धार्थनगर में हीट वेव के कारण कबाड़ से लदे ट्रक में आग लग गई। सारा सामान जलकर राख हो गया, जबकि आगरा में भी चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में 3 लोग सवार थे। वहीं अमरोहा की बात करें तो यहां पर एक कॉटन के कारखाने में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों के नुकसान का अनुमान है। आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की ज्यादातर घटनाएं हो रही हैं।